बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अपने बच्चों के लिए अलसी के लड्डू बना रही हूँ, जिनको अलसी की पिनिया भी बोला जाता है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए मर्द और ख़वातीन के लिए यकसा मुफीद हैं। एक पाव चने मैंने कूट लिए हैं, छटांक चार मगज़ भी डालकर इनको आराम से साफ़ किया जाता है। वैसे ये पैकिंग में हो तो साफ़ ही होते हैं। मैंने एक छटांक काजू, एक पाव बादाम, देसी किशमिश एक छटांक, एक किलो गुड़, एक छटांक पिस्ता। मैं शक्कर लेकर आई थी, जिसे आप ब्राउन शुगर भी कह सकते हैं, लेकिन गुड़ बेहतर रहेगा, तो मैं गुड़ डाल रही हूँ। इलायची पीस कर डालूँगी ताकि इसका जायका आए मगर इलायची ना आए। आमतौर पर बच्चे इलायची को पसंद नहीं करते। गुड़ माशाल्लाह बड़ा साफ़ सुथरा था। चलें जी, मीठा बनाते हुए आप सबसे एक मीठी सी बात करना चाहती हूँ। ज़िंदगी में आने वाली परेशानियाँ, तकलीफ़ें और तलखियाँ आपसे आपके अखलाक की मिठास और नरमी ना छीन पाएँ, इसी में आपकी जीत है। जब तक आप जिंदा हैं, ख़त्म होने जैसा कुछ भी नहीं, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतज़ार करती है। खुश रहने की कोशिश करें, अपने लिए अपनों के लिए खुशियां बांटें। गुड़ वाला पानी हमारा अब अच्छी तरह पक चुका है। आधा किलो ऑयल शामिल किया है। आप देसी घी या डालडा घी शामिल कर सकते हैं। मैंने गंदम साफ़ करके इसे अच्छी तरह सौटे कर लिया था खुशबू आने तक। आप इसमें आटा भी ऐड कर सकते हैं। घी से मुझे गले का मसला बनता है, इसलिए मैंने ऑयल यूज़ किया है। गंदम और अलसी में मैं इकट्ठी पिसवा के ले आई थी। उसके बाद हम इसमें गुड़ का बना हुआ शीरा डाल देंगे। चलें जी, इस जगह आके हिम्मत से काम लेना पड़ता है और अम्मी की बहुत याद आती है, जो हर सर्दी में याद से ऐसे लवामजात बनाकर भेज देती थी। अल्लाह ताला हम सब के वालदैन को सलामत रखे। जो हर सर्दी में याद से ऐसे लवामजात बनाकर भेज देती थी, अल्लाह ताला सब के वालदैन को सलामत रखे। और जिनके वालदैन हयात नहीं हैं, अल्लाह इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन। अब मैंने इसमें सारा ड्राई फ्रूट डालकर अच्छी तरह मिक्स कर दिया है। अलग बर्तन में डिश आउट करके अब हम अलसी के लड्डू बनाएंगे। साइज़ का कोई इशू नहीं, इसे तोड़ के ही खाना है। आप अपनी मर्ज़ी से छोटा या बड़ा साइज़ रख सकते हैं। हमारी अलसी की पिनियाँ बिल्कुल रेडी हैं। अगर आपको मेरा व्लॉग और मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें और सब्सक्राइब करें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में एक और ऐसी रेसिपी और गपशप के साथ। अल्लाह हाफिज़।